नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं जीवन 24 न्यूज। बिहार की सारण लोकसभा सीट हॉट सीट में बदल गई है। आगामी लोकसभा चुनाव में लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल ने यहां से रोहिणी आचार्य को प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें, यही वो सीट है जहां से लालू यादव पहली बार सांसद बने थे। फिलहाल ये सीट भाजपा के पास है। रोहिणी के सामने अपने पिता का गढ़ रही इस सीट को जीतने की बड़ी चुनौती है। चुनौती इसलिए क्योंकि फिलहाल इस सीट से भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रसाद रोहिणी सांसद हैं। पिछले दो आम चुनाव में उन्होंने यहां से जीत हासिल की थी और इस बार भी उनकी स्थिति काफी मजबूत है। साल 1977 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव इसी सीट से ही चुनाव लड़कर पहली बार संसद पहुंचे थे। तब इस सीट को छपरा लोकसभा कहा जाता था। लालू ने भारतीय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। साल 2004 में लालू ने भाजपा के राजीव प्रसाद रूड़ी को यहां से हराया था। साल 2008 में परिसीमन के बाद इस सीट का नाम सारण कर दिया गया था। इसके बाद 2009 के चुनाव में भी लालू ने यहां से जीत हासिल की थी। हालांकि इसके बाद चली मोदी लहर में लालू की पकड़ यहां कमजोर हुई। इस बार बेटी रोहिणी को उतार कर लालू ने एक बार फिर इस सीट को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की है। रोहिणी आचार्य लालू की 9 संतानों में से दूसरे नंबर पर है। रोहिणी का नाम चर्चा में करीब 1.5 साल पहले आया था, जब उन्होंने लालू यादव को अपनी एक किडनी डोनेट की थी। उनकी शादी 24 मई 2002 को आईटी सेक्टर में काम करने वाले समरेश सिंह से हुई थी, जो कि सिंगापुर में जॉब करते हैं। शादी के बाद रोहिणी भी सिंगापुर चली गई थी। देश के बाहर जाने के बाद भी सोशल मीडिया पर वो अक्सर केंद्र सरकार को निशाने पर लेती रहती थी। माना जा रहा है कि चुनाव में लालू यादव की बेटी होने का उन्हें काफी फायदा मिल सकता है। देखना रोचक होगा कि रोहिणी इस सीट को वापस राजद के खाते में ला पाएंगी या फिर रूड़ी जीत की हैट्रिक लगाएंगी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में राजद ने यहां से बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन भाजपा के राजीव प्रताप रूड़ी के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस चुनाव में रूड़ी को 3,55,120 वोट मिले थे, जबकि राबड़ी के खाते में 3,14,172 वोट आए थे। इसके बाद 2019 के चुनाव में राजद ने लालू के समधी चंद्रिका राय को टिकट दिया था, लेकिन उन्हें भी रूड़ी के हाथों हार मिली थी। इसमें रूड़ी ने 4,99,342 वोट पाए थे, जबकि चंद्रिका राय 3,60,913 वोट पर ही सिमट गए थे। अब देखना यह है कि रोहिणी का प्रदर्शन यहां कैसा रहता है। पिछले दोनों लोकसभा चुनाव जीतने वाले राजीव प्रताप रूड़ी भी लालू की तरह ही पहली बार संसद यहीं से बने थे। पिछले दोनों लोकसभा चुनाव जीतने वाले राजीव प्रताप रूड़ी भी लालू की तरह पहली बार सांसद यहीं से बने थे। 1996 के चुनाव में उन्होंने राजद के लालू बाबू राय को हराकर जीत हासिल की थी। इसके बाद 1999 के चुनाव में भी उन्हें यहां से जीत मिली थी। आपको बता दें कि सारण सीट के शहरी इलाकों में राजीव रूड़ी की स्थिति काफी मजबूत मानी जाती है। लेकिन हाल के दिनों में रोहिणी आचार्य की लोकप्रियता भी बढ़ती देखी गई है। जब राजीव रूड़ी के सामने राबड़ी देवी थी, तब रूड़ी जीते जरूर थे, लेकिन दोनों को मिलने वाले मतों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। ऐसे में सीट पर परिणाम क्या होगा, ये साफ साफ कहना बहुत मुश्किल है। सारण लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा मतदाता यादव हैं। इनकी संख्या करीब 25% है। ये फैक्टर रोहिणी आचार्य के पक्ष में जा सकता है। वहीं राजपूत वोटर 23% और बनिया 20% है। इसके अलावा मुसलमान मतदाताओं की संख्या 10% से ज्यादा है। पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ मतदान का प्रतिशत केवल 56 रहा था। इस बार यहाँ पांचवें चरण में 20 मई को मतदान होना है। 4 जून को मतगणना होगी और उसी दिन परिणाम आएगा। तब ही ये साफ हो पाएगा कि सारण की जनता लालू परिवार को चाहती है या फिर राजीव प्रताप रूड़ी के कामकाज से खुश है। असल तस्वीर रिजल्ट आने पर ही साफ हो पाएगी। तो आज जीबीएन 24 न्यूज में बस इतना ही। अभी के लिए आप मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार।